कार्तिक मास में जो महिला स्नान करती है, अर्थात जो महिलाएं कार्तिक मास नहाती है, उनके लिए एक छोटी सी कहानी। कार्तिक मास की कहानी। एक गांव में एक औरत अपने एक बेटे बहू के साथ रहती थी। वह औरत बहुत धार्मिक थी। कार्तिक के महीने में वह कार्तिक नहाती थी। जब कार्तिक मास आया तो सासू अपनी बहू से बोली कि बहू, मैं कार्तिक मास में तीर्थ जाना चाहती हूँ और वहाँ पर तीर्थ स्नान करना चाहती हूँ। बहू यह सुनकर बोली, सासू जी मैं भी आपके साथ चलूंगी। सासू बोली, अरे बहू तू अभी बहुत छोटी है, इसलिए अभी तो मुझे ही जाने दे। बहू यह सुनकर कुछ भी नहीं बोली। सासू तीर्थ नहाने के लिए गंगा चली गई। बहू ने ठान लिया था कि वह भी कार्तिक नहाएगी, इसलिए वह एक कुम्हार के पास गई और वहाँ से 33 कुंडे लेकर आई। रोज एक कुंडा भर के रख देती। उधर जब सासू माँ गंगा में नहा रही थी तो उसकी नथ गंगा में गिर गई। सासू जी की सोने की नथ गंगा में गिर जाने के कारण बहू दुखी हुई। इधर बहू कुंडे में नहाती और बोलती जाती कि सासू नहावे मुंडे में और मैं नहूं कुंडे में। इतने में गंगा की धार बहू के कुंडे में आ गई और गंगा की धारा के साथ सासू की नथ भी बहू के कुंडे में आ गई थी। बहू अपने सास के नथ को पहचान गई थी कि यह तो उसकी सास की नथ है। बहू ने नथ को अपने पास रख ली थी। कार्तिक मास नहाते नहाते महीना पूरा हो गया था। सासू तीर्थ नहाकर घर पर आई। बहू ने अपनी सासू माँ की नथ पहनकर बड़े ही आदर सत्कार के साथ सासू माँ को सामने लिया। सासू जी ने बहू को अपनी ही नथ पहने हुए देखा तो सास ने कहा, बहू तुम्हारे पास यह नथ कहाँ से आई? बहू बोली, जब मैं कुंडे में नहा रही थी तो मैंने गंगा माता को याद किया, तब गंगा की धार मेरे कुंडे में आ गई और गंगा की धार के साथ ही नथ भी मेरे कुंडे में आ गई। मैंने इस नथ को पहचान लिया था कि यह नथ आपकी है और इसको मैंने अपने पास रख लिया था। आज वही नथ मैं पहनकर आपका स्वागत कर लेने आई हूँ। सासू यह देखकर बहुत खुश हुई। अब सासू बोली, बहू मैंने कार्तिक तो नहा लिया है, मुझे अब ब्राह्मण जिमाने हैं। तो बहू बोली, सासू माँ दो ब्राह्मण मेरे नाम के भी जिमा देना, मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। सासू माँ बोली, तुमने कहाँ कार्तिक स्नान किया है? तो बहू बोली, सासू माँ मेरे साथ ऊपर छत पर चलो, मैं आपको दिखाती हूँ। बहू सासू को लेकर छत पर गई तो वहाँ पर 33 कुंडे उल्टे पड़े थे। कार्तिक का महीना पूरा हो जाने के बाद कार्तिक माता ने सबको सोने के कर दिए थे। बहू बोली, मैं रोज कुंडा पानी से भर कर रखती, सुबह जल्दी उठकर नहाती और उल्टा करके रख देती। तो सासू बोली, बहू तू बहुत भाग्यवान है जो गंगा जी तेरे पास आई है, कुंडे भी सोने के हो गए हैं। बहू तूने श्रद्धा और मन से कार्तिक स्नान किया है तो भगवान ने तुझे फल दिया है। हे कार्तिक माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, कहता न सुनता न हुकारा भरता न, सारा परिवार ने दीजियो। इसके बाद गणेश जी महाराज की कथा सुने, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, या फिर चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल में जाएं, इसके नीचे ही गणेश जी महाराज की कहानी दी गई है। यदि कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।